भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में जैसा इंडियन फैंस ने उम्मीद की थी, भारतीय टीम ने उससे कई गुना शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। आपको बता दें, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी दक्षिण अफ्रीका ने की और उन्होंने जैसी बल्लेबाजी की वो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दक्षिण अफ्रीका ने इस मैदान पर आज 100 रनों का स्कोर भी नहीं बनाया और 100 रन से मात्र एक कम 99 रनों पर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका अपने वनडे इतिहास में चौथी बार 100 रनों से नीचे ऑल आउट हुई है और ये दक्षिण अफ्रीका का चौथा सबसे खराब टोटल है वनडे क्रिकेट में। लेकिन इसके साथ ही अब दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम के विरुद्ध एक बेहद खराब रिकॉर्ड बना दिया है, जो ये टीम फिर दोबारा कभी इंडिया के खिलाफ नहीं बनाना चाहेगी। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका चौथी बार 100 से नीचे वनडे क्रिकेट में ऑल आउट हुई है, लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है जब दक्षिण अफ्रीका वनडे क्रिकेट में इंडिया के विरुद्ध 100 रन भी ना बना सकी हो। इससे पहले तक भारत के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका का लोएस्ट टोटल साल 1999 में आया था, जहां दक्षिण अफ्रीका मात्र 117 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका के लिए ये बेहद खराब रिकॉर्ड है और दक्षिण अफ्रीका को ये रिकॉर्ड हासिल कराने में भारतीय गेंदबाजों का बड़ा योगदान रहा, जिसमें भारतीय स्पिनर्स, चाहे फिर वो कुलदीप यादव हो या फिर युवा गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर या फिर टीम इंडिया के लिए मात्र दूसरा ओडीआई खेल रहे शाहबाज अहमद, सभी ने अच्छी गेंदबाजी करी और दक्षिण अफ्रीका को आज 99 रनों पर रोक दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।